नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी ने तो महिंद्रा कंपनी के बारे में सुना ही होगा और आप में से ज़्यादातर लोग इस कंपनी की गाड़ियों के फ़ैन होंगे। और आज हम आपको इस वीडियो में महिंद्रा कंपनी की सक्सेस स्टोरी आप सभी को बताएंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस कंपनी की शुरुआत जगदीश चंद्र महिंद्रा और मालिक गुलाम मोहम्मद ने 2 अक्टूबर 1945 में किया। वे शुरुआत में स्टील मैन्युफैक्चर किया करते थे और उन्होंने अपने कंपनी का नाम M&M कंपनी रखा, यानी महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी रखा। और बता दें कि जेसी महिंद्रा पहले टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में सीनियर सेल्स मैनेजर के रूप में 1929 में काम किया करते थे। फिर उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के समय टिस्को छोड़ दिया, उन्हें भारत आयरन एंड स्टील कंट्रोलर बना दिया गया। फिर 1947 में आज़ादी के समय जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तब मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। फिर जेसी महिंद्रा और उनके भाई ने मिल के कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया और उनकी स्टील कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी। उसके बाद 1950 में जेसी महिंद्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन उनकी कंपनी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। बाद में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उनको मौका मिला, फिर वो जीप असेंबल करके सेल करने लगे और जल्द ही इंडिया में जीप मैन्युफैक्चरर भी बन गए। फिर वो धीरे धीरे कमर्शियल व्हीकल के साथ साथ ट्रैक्टर भी बनाने लगे और देखते ही देखते उनकी ट्रैक्टर वर्ल्ड की नंबर वन ट्रैक्टर ब्रांड बन गई। फिर 1999 में महिंद्रा ने गुजरात ट्रैक्टर को गुजरात के गवर्नमेंट से खरीद लिया और 2007 में उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड को भी एक्वायर कर लिया। उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर भी बन गए। 2009 में पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड को महिंद्रा से मर्ज कर दिया और फिर ट्रैक्टर को लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने स्वराज डिवीज़न रखा। फिर कुछ सालों बाद महिंद्रा ने न्यू इंडस्ट्रीज और फॉरेन मार्केट में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया। 2008 में काइनेटिक मोटर्स को इंडिया लाके महिंद्रा ने टू व्हीलर्स ऑटोमोबाइल में एंटर किया। उसके बाद 2010 में 55% शेयर के साथ महिंद्रा ने रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी से पार्टनरशिप किया और जब उन्होंने 2016 में कंपनी को पूरा 100% शेयर खरीद लिया और इस कंपनी का नाम चेंज करके महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड रखा। 2011 में सांग योंग मोटर कंपनी, जो एक साउथ कोरियन कंपनी थी, उसे खरीद लिया और इसी साल उन्होंने EPC इंडस्ट्री लिमिटेड, जो नासिक की माइक्रो ड्रिप इरिगेशन कंपनी थी, उसे भी खरीद लिया। 2014 में उन्होंने प्यूजो मोटरसाइकिल का 51% शेयर खरीदा और फिर कुछ सालों में 100% शेयर खरीद लिया। 2015 में एक जापानी ट्रैक्टर कंपनी मित्सुबिशी एग्रीकल्चरल मशीनरी का 33% शेयर एक्वायर कर लिया। 2016 में महिंद्रा ने फिनलैंड की कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी का 35% शेयर खरीदा और इसी तरह महिंद्रा कंपनी आज 100 से ज़्यादा कंपनियों को ओन करती है और 500 से ज़्यादा कंपनीज का शेयर खरीदा है और महिंद्रा का टोटल मार्केट वैल्यू आज $908 बिलियन है और इसका श्रेय जेसी महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा को जाता है। तो दोस्तों, वक्त आ गया है आप सबसे विदा लेने का। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।